सुप्रभात छात्रों, मैं रेणु यादव आज आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 3 हिंदी द्वितीय नवीन पल्लव पाठ 11 बेटियां। बच्चों, इस भाग में हम बेटियां कविता की पुनरावृत्ति करेंगे। बच्चों, यहां पर आप दो चित्र देख रहे हैं, जिनमें पहला चित्र है मदर टेरेसा का और दूसरा चित्र है श्रीमती प्रतिभा पाटिल का। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि दुनिया में लगभग सारे लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, पर मानव इतिहास में ऐसे कई मनुष्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने अपना तमाम जीवन परोपकार और दूसरों की सेवा में अर्पित कर दिया। मदर टेरेसा भी ऐसे ही महान लोगों में से एक हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीती हैं। मदर टेरेसा ऐसा नाम है जिसका स्मरण होते ही हमारा हृदय श्रद्धा से भर उठता है और चेहरे पर एक खास आभा उमड़ जाती है। मदर टेरेसा एक ऐसी महान आत्मा थी जिनका हृदय संसार के तमाम दीन दरिद्र, बीमार, असहाय और गरीबों के लिए धड़कता था और इसी कारण उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और भलाई में लगा दिया। बच्चों, दूसरा चित्र है हमारी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी का। बच्चों, हमारी पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने भारत देश का गौरव बढ़ाया है। प्रतिभा जी एक सफल राजनेता, एक अच्छी समाज सेविका के रूप में जानी जाती हैं। अपने पिता से प्रेरित होकर प्रतिभा जी ने देश की राजनीति में कदम रखा था। जिस तरह इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं, उसी तरह प्रतिभा जी को प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल है। बच्चों, तीसरे चित्र में हम देख पा रहे हैं सुष्मिता सेन जी को। 1994 में जब सुष्मिता ने मिस इंडिया का खिताब जीता, तब सुष्मिता की उम्र 18 वर्ष थी। 1994 में सुष्मिता सेन भारत की तरफ से पहली महिला बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया। यह आयोजन फिलीपींस में हुआ था। मिस यूनिवर्स का विश्व खिताब जीतकर सुष्मिता सेन ने अपना नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। चौथा चित्र है कल्पना चावला का। कल्पना चावला भारत मूल की अमरीकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष शटल मशीन विशेषज्ञ थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली द्वितीय भारतीय और प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 अंतरिक्ष यात्री दल सदस्यों में से एक थी। बच्चों, अभी हमने कुछ उदाहरण देखे जिनमें हमने पाया कि जो बेटियां हैं उन्होंने हमारे देश का ही नहीं
बल्कि पूरे विश्व का नाम गौरवान्वित किया है। बच्चों, जो कविता बेटियां दी गई है हमारे पाठ में, वो भी इसी बात को दर्शाती है कि बेटियां कभी भी कम नहीं होती हैं। वो चाहें तो वो किन ऊंचाइयों को पाले, यह हम सोच भी नहीं सकते। कवि कहते हैं कि बेटियां सुंदर कोमल कली जैसी होती हैं और बहुत ही प्यारी और बहुत ही मासूम लगती हैं। जैसे कि एक पुष्प बहुत ही कोमल होता है, दिखने में बहुत अद्भुत लगता है, वैसे ही बेटियां भी बहुत ही सुंदर और बहुत ही कोमल होती हैं और वो बहुत प्यारी और बहुत सीधी सादी, अच्छी भली लगती हैं। और साथ में कवि कहते हैं कि हमें इनको इनके पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि इन बेटियों की उड़ान बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंची है। ये बेटियां अंतरिक्ष की ओर जा रही हैं। साथ में कवि यह भी दर्शाते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बाधाएं हैं जिन्होंने हमारी बेटियों की राह रोकने की बहुत चेष्टा करी, लेकिन फिर भी उन सारी बाधाओं से जूझते हुए, लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए वो बेटियां हर जगह अपना मुकाम हासिल कर रही हैं। जितनी भी बाधाएं हों, बेटियां उनको आसानी से झेल लेती हैं और अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर करती हैं। अंधियारी राहों में हरदम दीपक बनकर जलती हैं बेटियां। जब भी घर परिवार में कोई समस्या होती है, माता पिता को कोई समस्या होती है, तो जो बेटियां होती हैं वो उस टाइम, उस समय सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती हैं और ना ही सिर्फ अपने परिवार को बल्कि समाज को भी संभालती हैं। और बेटियों का मन पेड़ सरीखे होता है, वो हर किसी का लालन पालन करना जानती हैं। जैसे पेड़ सबको छाया देता है, वैसे ही बेटियां अपने मन में सबके लिए सेवा भाव रखती हैं। और बेटियां ना ही सिर्फ अपने जीवन में बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाती हैं। बच्चों, आइए अब पाठ 11 कविता बेटियां के अभ्यास को याद करते हैं। शब्द मैत्री। बच्चों, सबसे पहले हम याद करेंगे शब्द अर्थ। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों के अर्थ बताने हैं। पहला शब्द है भली। भली शब्द का अर्थ है अच्छी। बच्चों, कविता में हमने पढ़ा कि कवि कह रहे हैं कि जो बेटियां हैं वो कितनी भली लगती हैं, यानी बेटियां कितनी अच्छी लगती हैं। दूसरा शब्द है जूझना। जूझना शब्द का अर्थ है संघर्ष करना। जब हम कविता पढ़ रहे थे तब हमने देखा कि कवि हमें इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि जो बेटियां हैं वो बहुत सारी बाधाओं से खूब जूझती हैं। मतलब समाज में जो बाधाएं बेटियों को सहनी पड़ती हैं, उन सब से बेटियां संघर्ष करती हैं। तीसरा है हरदम। बच्चों,
तीसरे शब्द हरदम का अर्थ है हमेशा। बच्चों यहाँ पर हमेशा शब्द से हम सीखते हैं कि कवि बता रहे हैं कि अंधेरी राहों में हरदम दीपक बनकर जलती हैं बेटियाँ। मतलब जब भी कोई समस्या आती है तो हमेशा बेटियाँ ही आगे बढ़कर उन समस्याओं का समाधान निकालती हैं। क्या सीखा क्या जाना, उत्तर लिखिए। बच्चों यहाँ पर दो प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन प्रश्नों को समझकर इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बेटियाँ कैसी होती हैं? बच्चों इस प्रश्न में हमें बताना है कि बेटियाँ किस प्रकार की होती हैं। इसका उत्तर है, बेटियाँ सुंदर कली की तरह कोमल और भली होती हैं। बच्चों कविता की शुरुआत में हमें कवि ने बताया कि जो बेटियाँ होती हैं वो एक पुष्प की समान सुंदर होती हैं और कोमल होती हैं, और जब भी उनको देखो तो वो बहुत ही प्यारी, बहुत ही भली, बहुत ही मासूम और बहुत ही अच्छी लगती है। प्रश्न दो, उनके पैरों में बंधन क्यों नहीं बांधना चाहिए? बच्चों इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि बेटियों के पैरों में बंधन क्यों नहीं बांधना चाहिए। इसका उत्तर है, बेटियां अंतरिक्ष में जाने लगी हैं, इसलिए उनके पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए। बच्चों कवि अपनी कविता के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि आज बेटियों ने समाज में वो ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें बेटियों को बंधन में ना रखते हुए उनको हौसला देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में एक लंबी और ऊंची उड़ान भर सके। आजकल बेटियां अंतरिक्ष में भी जाने लगी हैं, वो हर क्षेत्र में अच्छे से अच्छा कार्य करके दिखा रही हैं, इसीलिए हमें बेटियों को किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए। मिलान कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको कविता के अनुसार दूसरे शब्दों से मिलाना है। पहला शब्द है सुंदर कोमल। बच्चों हमने पाठ में पढ़ा कि कवि बताते हैं कि जो बेटियां हैं वो सुंदर कोमल कली की तरह होती हैं। तो यहाँ पर सुंदर कोमल का जो मिलान होगा वो होगा बेटियां के साथ, ठीक है। तो सुंदर कोमल का जो उत्तर है वो है बेटियां। दूसरा है बाधाओं से। बच्चों हमने कविता में पढ़ा कि बाधाओं से खूब जूझती दिखती हैं हर गली बेटियां। हमने पढ़ा कि कवि कह रहे हैं कि समाज में बहुत सारी बाधाएं हैं जिनको बेटियों को सहना पड़ता है, उनसे संघर्ष करना पड़ता है। तो यहाँ पर बाधाओं से का मिलान होगा जूझती से। तीसरा है पैरों में। बच्चों पैरों में का मिलान होगा बंधन से। कवि कविता के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं
कि हमें बेटियों के पैरों में बंधन नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि वो अपने जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकती हैं। चौथा शब्द है संघर्षों में। बच्चों, संघर्षों में का मिलान होगा पली के साथ। हमें कवि ने बताया कि जो बेटियां हैं वो संघर्षों में पली हैं। समाज ने बेटियों के सामने बहुत सारी बाधाएं रखी हैं और उन्हीं बाधाओं से जूझते हुए, उनसे संघर्ष करते हुए बेटियां पली हैं। तो संघर्षों में का मिलान होगा पली के साथ। पांचवा है दीपक बनकर। दीपक बनकर का मिलान होगा जली। कविता के अंत में हम पढ़ते हैं कि अंधियारी राहों में हरदम दीपक बनकर जली बेटियां। मतलब जब समाज में कोई समस्या होती है, जब घर परिवार में कोई समस्या होती है, तो वो बेटियां ही होती हैं जो सबको राह दिखाती हैं। तो जो बेटियां हैं वो दीपक समान हैं और हर तरफ वो उजियारा फैलाती हैं। दिए गए बहुवचन को एक वचन में लिखिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ बहुवचन शब्द दिए गए हैं जिनके एक वचन आपको लिखने हैं। बच्चों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु के होने का ज्ञान हो, उसे एक वचन कहते हैं। बच्चों, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। और बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या उनके अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम बहुवचन शब्दों को एक वचन शब्द में परिवर्तित करते हैं। पहला शब्द है बेटियां। बेटियां शब्द का एक वचन रूप है बेटी। दूसरा शब्द है बाधाएं। बाधाएं शब्द का एक वचन रूप है बाधा। तीसरा शब्द है संघर्षों। संघर्षों शब्द का एक वचन रूप है संघर्ष। चौथा शब्द है डालियां। डालियां शब्द का एक वचन रूप है डाली। पुनरावृत्ति कार्य पत्रक। बच्चों, यहाँ पर अभ्यास के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। पहला है शब्द मैत्री। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ आपको बताने हैं। पहला शब्द है बंधन।
दूसरा शब्द है अंतरिक्ष, तीसरा शब्द है सरीखे, दूसरा भाग है उत्तर लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। पहला प्रश्न है, बेटियां बाधाओं में कैसे पलती हैं? बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि बेटियां बाधाओं का सामना कैसे करती हैं। दूसरा प्रश्न है, बेटियां कैसा मन रखती हैं? बच्चों, इस प्रश्न में आपको बताना है कि बेटियों का मन कैसा होता है। तीसरा भाग है, लिंग बदलिए। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इन शब्दों के लिंग बदलने हैं। पहला शब्द है बेटी, दूसरा शब्द है लड़की, तीसरा शब्द है स्त्री और चौथा शब्द है युवती। बच्चों, इसी के साथ इस पाठ की पुनरावृत्ति यही समाप्त होती है। धन्यवाद।